हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली आंध्र प्रदेश में एक शाओमी रेडमी नोट 4 एक यूज़र की पॉकेट में ब्लास्ट हो गया था, जिसके बाद में उस यूज़र को थोड़ी इंजरी भी हुई थी। लेकिन शाओमी ने अपने स्मार्टफोन को टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद में हमें जो इन्वेस्टिगेशन की पहली रिपोर्ट है वो प्रोवाइड कर दी है। और रिपोर्ट में शाओमी ने ये बताया है कि ये जो स्मार्टफोन था इस पर बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स पड़ा था, यानी कि इस स्मार्टफोन पर दबाव पड़ा था भारी, जिसके कारण इसकी बैटरी डैमेज हो गई और ये ब्लास्ट हो गया था। और शाओमी ने साथ में ये भी बताया कि अभी हमारी जो इन्वेस्टिगेशन टीम है इस पे और भी काम करेगी और इसके बारे में हम आपको आगे और भी जानकारी प्रोवाइड करेंगे। और दोस्तों, अगर आप यूज़ करते हैं शाओमी का रेडमी नोट 4, तो शाओमी ने आप सभी के लिए कुछ सुझाव दिए हैं जिनको फॉलो करके आप अपने स्मार्टफोन को ऐसी किसी भी समस्या से बचा सकते हैं। तो शाओमी ने ये बताया है कि आप अपने स्मार्टफोन को खोलने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें और अपने स्मार्टफोन की जो बैटरी है उसके साथ आप किसी भी तरह की छेड़छाड़ ना करें, आपका स्मार्टफोन डैमेज हो सकता है। और अपने स्मार्टफोन पे किसी भी तरह का भारी फोर्स ना पड़ने दें, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो स्मार्टफोन ब्लास्ट हुआ था वो भारी फोर्स पड़ने के कारण ही डैमेज हुआ था। तो स्मार्टफोन पे किसी भी तरह का भारी फोर्स ना पड़ने दें। और अगर आपके स्मार्टफोन में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसे शाओमी की जो सर्विस सेंटर है सिर्फ वहीं पर ले जाकर इनको रिपेयर करवाएं, किसी भी लोकल स्टोर पर इनको रिपेयर ना करवाएं। और सिक्योरिटी रीजंस के लिए मैं कुछ और भी जानकारी आपके साथ अपनी शेयर करना चाहूँगा। अपने स्मार्टफोन को कभी भी चार्जिंग के समय यूज़ ना लें, उस समय बैटरी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और आपको पता है कि शाओमी के स्मार्टफोन में हीटिंग की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, तो शाओमी ने इसके लिए पीछे एक रिपोर्ट जारी की थी कि आपको जो स्मार्टफोन है इसमें हम लगातार अपडेट्स देते रहते हैं इन चीज़ों को सुधारने के लिए, तो आप हमेशा अपने स्मार्टफोन को इन अपडेट्स के साथ अप टू डेट रखें ताकि आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ अच्छी जानकारी शेयर की होगी और आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। और ये जो स्वामी ने आपको सुझाव दिए हैं इन सभी को आप फॉलो करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहेगी।